जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी और आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। इस वक्त आप अपना और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जहां हम बात करेंगे आज मोरपंख और वास्तु की। वास्तु के हिसाब से मोरपंख और मोरपंख के हिसाब से वास्तु, तमाम तरह की जानकारी आपको यहां मिलेगी। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप लोग हैं कैसे, आपके परिवार में सब कैसे हैं। सबको मेरा नमन कोटि कोटि प्रणाम, शत प्रणाम, मेरे चरण स्पर्श। सबको बोलिएगा कि खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास। पूर्व दिशा में घर की संपत्ति को हमेशा रखना चाहिए और तिजोरी रखनी चाहिए, और आपकी तिजोरी जहाँ भी हो उसमें मोरपंख ज़रूर होना चाहिए। पश्चिम दिशा में घर की संपत्ति गहने हमेशा रखने चाहिए और साधारणता ये मतलब साधारण लाभ देता है, बहुत लाभ नहीं देता। परंतु अगर इसमें मोरपंख रख दिए जाएं तो पश्चिम दिशा की तरफ जो अलमारी रखी है उसमें भी लाभ होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है, वैसे हमारे घर की अलमारी ऐसे होनी चाहिए कि हो दक्षिण की तरफ और उसका मुंह उत्तर की तरफ खुले, तो वो धन बढ़ता चला जाता है, लेकिन ये सबके घर में संभव नहीं है। तो ऐसे में आपकी अलमारी घर की कहीं पर भी हो, जहां आप धन रख रहे हैं वहां पर भी आप मोरपंख रखें, जहां आप अपने कपड़े वस्त्र रख रहे हैं उस अलमारी में भी मोरपंख रखें। उत्तर दिशा की तरफ अलमारी, मैंने आपसे जैसे कहा कि उत्तर दिशा की तरफ अलमारी ऐसे रखें कि अलमारी दक्षिण की तरफ उसका मुंह उत्तर की तरफ खुलता, उसमें भी मोरपंख जरूर रखें। दक्षिण दिशा में धन रखने से उसका हानि होती है, नुकसान होता है, लेकिन अगर आप वहां पर मोर पंख रख दें और एक लाल रंग का बल्ब लगा दें अपनी अलमारी के ऊपर, तो ये धन हानि होनी बंद हो जाती है। ये उपाय उनके लिए हैं जो वास्तु चेंज नहीं कर सकते, घर बहुत छोटे हैं और कोई बदलाव नहीं हो सकता, तो जहां भी कोई वास्तु दोष है वहां मोर पंख लगा दीजिए। और मोर पंख कम से कम 11 लगाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो आप जितने मर्जी लगाइए। ईशान कोण में जहां आपने अपने घर का मंदिर बना रखा है या धन का कुबेर का स्थान बना रखा है वहां पर भी मोर पंख जरूर रखें। अगर आपका ईशान कोण खाली है, वहां आपने कुछ नहीं कर रखा, तो भी आपको वहां मोरपंख रखने चाहिए। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको मोरपंख जरूर लगाने चाहिए। अपने घर के ऐसे बच्चे के कमरे में जहां पंखे पर आप मोरपंख को सेलोटेप से चिपका दीजिए कि जब पंखा चले तो मोरपंख भी चले। इससे क्या होगा, जो बच्चा बहुत गुस्सा करता है, आलसी है, पढ़ता नहीं है, कोई उपाय नहीं करना चाहता, कोई रेमेडी नहीं करना चाहता, तो जब मोरपंख की हवा उस पर चलेगी तो उसके व्यक्तित्व में जो बदलाव आएगा वो मैं आपको शब्दों में क्या कहूँ, आप कर ही देख लीजिए। आपको सीढ़ियों के नीचे कभी तिजोरी को नहीं रखना चाहिए, सीढ़ियों के नीचे हमेशा आपको स्टोर रूम ही रखना चाहिए। मंदिर में आपको कुछ धन और मोर पंख हमेशा रखने चाहिए। ज़्यादातर लोगों के घर में धन नहीं होता, मोर पंख तो फिर भी रख देंगे लेकिन ना कुछ पैसे मंदिर में नहीं रखते। अरे चोरी हो गए तो नौकर घूमते रहते हैं, अरे भगवान अपनी रक्षा खुद कर लेंगे ना। और अगर भगवान की मर्जी, वो पैसे आपने भगवान को दे दिए और मंदिर से कोई और उठा कर ले गया तो वो ईश्वर की मर्जी से ले गया ना, उसमें फिर आप दखलअंदाजी क्यों कर रहे हैं। तो दिल को थोड़ा बड़ा कीजिए। घर के मुख्य दरवाजे पर गणेश जो आप रखते हैं, गणपति महाराज, उनके साथ भी कुछ मोर पंख जरूर रखें आप। घर में मोर पंख जितने ज्यादा हों पति पत्नी के रूम में उतना उनका कलेश कम होता है। जिन लोगों को काल सर्प, उन्हें अपने ऑफिस के बैग में भी मोर पंख जरूर रखने चाहिए। हमें अपने बच्चों की बात
माननी चाहिए, लेकिन बच्चों को एक बात मनवानी चाहिए उनकी कॉपी किताबों में, खासकर उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में वो बिल्कुल निल हैं, उसमें मोर पंख जरूर रखें आप, बच्चों के बैग में मोर पंख जरूर रखें आप। मोर पंख रात को पानी में भिगोकर उसका पानी सुबह अपने घर में छिड़का जाए तो कितना भी गृह कलेश क्यों ना हो, लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, बहू छोड़कर जा रही हो, तलाक होने की संभावना हो, कोर्ट केस चल रहे हो, आपको इतनी शांति मिलेगी, आपके घर का सारा बिगड़ा हुआ वास्तु सही होना शुरू हो जाएगा। मोर पंख चमत्कारी हैं, लेकिन मोर पंख असली होने चाहिए, मोर पंख लकली नहीं होने चाहिए, और मोर पंखों को अगरबत्ती धूप समय समय पर दिखाते रहना चाहिए, मोर पंखों को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं अलमारी में रखे, भूल गए जी, 5 साल से ही रखे हुए हैं, उन्हें बदल ही नहीं रहे। जब दिवाली आती है तो आपको अपने घर के मोर पंखों को बदलना भी चाहिए, ये बात भी आप जरूर समझ लीजिए। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सास से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सास से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।